रमीज राजा साहब जो हमें यहाँ पाकिस्तान में चूरन बेचते रहते थे कि पाकिस्तान टीम को इंडिया नहीं ट्रैवल करना चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, वो खुद इंडिया सबसे पहले पहुंच गए हैं। भाई साहब सबसे बड़ा रुपया वाली कहानी है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई, और 10 दिन पहले इन्होंने शोर मचाया हुआ था, जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ इंडिया का, वीज़ा नहीं मिल रहा, मैंने तो इंडिया में जाना है। अब आप देखें कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने कि मैं कभी जो आप अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूँगा, इंडिया अगर नहीं आता हम अपनी टीम को पाकिस्तान को इंडिया में क्यों भेजें, हम इंडिया में क्यों जाएं। अब इंडिया में पाकिस्तान की टीम तो गई है, चले वो तो पाकिस्तानी टीम का स्टांस नहीं था, लेकिन आपने तो स्टांस लिया हुआ था, आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा। तब रमीज राजा ने इंडिया के लिए जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि बकवास की थी, अगर ये वर्ड मैं यूज कर लूं ना तो बड़े ज्यादा गलत लफ्ज यूज किए थे रमीज राजा ने इंडिया के लिए जब ये चेयरमैन था जक्का अशरफ, उन्होंने आपको बताया कि इंडिया को दुश्मन मुल्क बोला है अपनी वीडियो में, और अब वो जो है वो इसको कवर करने के लिए फिर मैदान में आ चुके हैं। साहब आप देखें एक साइड शोएब अख्तर को इंडिया का वीजा नहीं मिला, शोएब अख्तर को जो कमेंट्री पैनल में नहीं रखा गया है और न जो आपको जॉब मिली है, तो शोएब अख्तर इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी साइड रमेश राजा जो है वो जॉब मिल गई है, और अब कल से लेकर जो बड़ा इंडिया 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 कर रहे हैं रमेश राजा साहब। देखो पाकिस्तान टीम गई है, आप कहो कि चलो पाकिस्तान टीम की मजबूरी थी जाना, मैं नहीं जाता भाई, आप यहाँ पे बैठ जाते, आप कहते मैं इत्तेजाजन नहीं जाता, इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। जहां पर आप लोगों के पर्सनल गोल्स आते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये पैसा पर्सनल अकाउंट के अंदर आना है, वहां पर आपके जो है वो सारे स्टैंड जो है फीके पड़ जाते हैं और फिर आप वहां पे उड़ के पहुंच जाते हो, ये तो दोगलापन है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों भारत को आंख दिखाने और कोसने वाला पीसीबी का पूर्व चेयरमैन रमेश राजा ये कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। आज क्रिकेट की कमेंट्री करने और डॉलर कमाने के लिए रमेश राजा भारत आ चुके हैं, तो आज पाकिस्तानी जनता इसकी खूब क्लास ले रही है, तो जानते हैं पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। तो तुमने बोला कि जी पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आया, एशिया कप श्रीलंका में हुआ है, इंडिया जीत भी गया है, लेकिन पाकिस्तान टीम इंडिया चली गई है। देखो तेरी बात कोई सच नहीं हुई, तेरी कोई बात सच नहीं हुई, और खुद तू छनगना लेने गया इंडिया में। फिर ये जितने भी मेरे इंडियन फैंस देख रहे हो, सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा, क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी, जर्नलिस्ट वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके उसके साथ इसने बदतमीजी की थी जर्नलिस्ट का आपको पता होगा, एशिया कप के फाइनल वाले दिन इस रमीज राजा ने बदतमीजी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की, और आप ये इंडिया में खड़ा होकर पड़ा, वो हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के, और ये कह रहा है जी वो हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। ये चेयरमैन बना था ना तो ये ऐसा भी तो कह सकता था ना कि नहीं जी आप इंडिया को भेजो। इसने डायरेक्ट धमकियां दी थी, धमकियां, और धमकियां आपको पता है कि कौन देता है, जिसके दिल में नफरत होती है, थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा है और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, कि भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नीचे मिल रहे जी, पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। और आज जो रमीज राजा जब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करो फिर अपने जो स्टांस है उस पर कायम रहो। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमेश हसन राजा साहब के, इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे, और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब
पीसीबी के चेयरमैन थे और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बोंगियां मारा करते थे। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है और यह दुश्मनी कभी दोस्ती में बदल नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की जनता के अंदर जहर गोला गया है उसे बाहर निकालने में 70 साल लग जाएंगे, क्योंकि जहर गोलने में भी 70 साल का समय लगा है तो वापस दोस्ती बढ़ाने में भी 70 साल का ही समय लगेगा। मेरा मानना है पाकिस्तान के साथ इंडिया को मैच खेलना भी बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बेदखल कर देना चाहिए और एक टेररिस्ट आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।